मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मांढर विधानसभा क्षेत्र के चान्हो में जनता को संबोधित किया। ये तमाम लोग ओवैसी साहब को सुनने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं और भारी बारिश के बीच में इन तमाम लोगों ने उनको सुना और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है, ये तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। तमाम ये जो मैदान था कब बेश हम ये कह सकते हैं भर गया था। अभी ओवैसी साहब को सुना, क्या लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। क्या लगा? हमारे उम्मीदवार वही होंगे जी। क्या लग रहा है जो ओवैसी साहब से सुनना चाह रहे थे, वो आप सुन पाए? वो सब बिल्कुल सुन पाया सर, बिल्कुल सुन पाया। देखिए माहौल को देखते हुए जिस तरह से अभी झारखंड का माहौल या पूरे भारत देश का माहौल बना के रखा है अभी मोदी जी ने, जो बीजेपी सरकार ने, जो नौजवानों को जिस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसी के बारे में तो बोले, जो भी बोले सही बोले ओवैसी साहब। जब भी हर बात को जो भी बोल रहे हैं, अभी तक हमको नहीं लगता है कहीं भी गलत बोले एक वर्ड भी। अगर कि ओवैसी साहब जज्बात को उभारते हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। ओवैसी साहब संविधान का बात करते हैं, हमारे संविधान क्या कहते हैं वही बात सभी अब बोलते हैं। बीजेपी क्या कर रही है अब देश में? टीओडी ला रही है, बिजली बेच दी, रोड बेच दी, ट्रेन बेच दी, अब बेचने को क्या है? सेना बचा था वो भी बेच दिया। हमको तो लगता है वही ओवैसी साहब के बात से इत्तेफाक रखते हैं आप जी? कुछ कहें? क्या लग रहा है, क्या जो बोले हैं सही बोले हैं? हाँ हाँ, कैसे नहीं, क्षेत्र में तो देख रहे हैं सर। आप तो झारखंड में जिस तरह से बना के रखे हैं, ये आपका हेमंत सरकार है या कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी तो हमारे साथ खिलवाड़ ही किया है सर। कांग्रेस तो जिस तरह से खिलवाड़ कर रही है अभी, हमको लगता है 70 साल से मुसलमानों के साथ खिलवाड़ ही किया जा रहा है कांग्रेस भी। वैसी साहब ने रांची हिंसा का जिक्र किया, क्या लगता है इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद लोकल है, यहाँ पे जो धार्मिक उन्माद बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है और खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और उसके कलीग के द्वारा जो भी हिंसा यहाँ पे फैलाया गया उसमें मुसलमानों की जान गई, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। उसके अलावा ओवैसी साहब ने यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा लोकल मुद्दों को भी उठाया। यहाँ पे जो सेना के द्वारा 4 साल की भर्ती की जा रही है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर 4 साल के बाद वो युवा फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। इन्हीं सबको मुद्दों को उठाया, यहाँ पे अच्छी भीड़ थी। ये उन्होंने कहा कि रांची में जो 2 गोलीबारी हुई जिसमें 2 बच्चे उसमें मारे गए, उन्होंने कहा कि पुलिस ने सही एक्शन नहीं लिया या सरकार ने अच्छे से काम नहीं किया, आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से पुलिस को हैंडल करना था उस तरह से पुलिस ने हैंडल नहीं किया, नहीं तो इस तरह का नौबत नहीं आता। क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आंसू गैस रहता है, वाटर कैनन रहता है, लाठी चार्ज रहता है, लेकिन इन सारे चीज़ों को छोड़कर सीधा गोली चला देना ये किसी भी तरह का न्याय नहीं है। मगर ये क्षेत्र की जनता कैसे विश्वास करेगी देव कुमार धान साहब पर? पिछले बार उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा, इस बार MIM ने उनको सपोर्ट किया है, तो एक व्यक्ति इतना विचारधारा का फ्लक्चुएशन रहेगा, कैसे लोगों में विश्वास करेगा? देखिए वो बीजेपी से लड़े चाहे AIM से लड़े, भैया जनता ही तो वोट दिया उसको, हमको बीजेपी से क्या लेना देना। आडवाणी यहाँ थोड़ी आएगा कुछ करने, यहाँ जो भी करेंगे देव कुमार धान ही करेंगे। और वो हृदय दिल AIM है कि हमको मिला टिकट और हम उनको दे दिए, हमको जीतने से मतलब है, ठीक है? बीजेपी और कांग्रेस जैसा गुटबाजी, कांग्रेस और बीजेपी जैसा गुटबाजी नहीं करना है। और हेमंत जी नाकाम और बेनकाम कहिए ना तो लंगड़ा लूल्हा सरकार है ये। ओवैसी साहब ने भी कहीं न कहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को जमकर लताड़ा लगाई और इस भरी बारिश में तमाम लोग डटे रहे और करीबन घंटे भर के उनका भाषण रहा और तमाम मुद्दों को उन्होंने कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की। खासकर उन्होंने रांची हिंसा को लेकर कहीं न कहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया, जिसके वजह से जो अल्पसंख्यक समाज है उसमें भारी नाराजगी है, भारी गुस्सा है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की कि उनके जो तायद प्राप्त जो प्रत्याशी है देव कुमार धान उनको वोट करें। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से, रांची के चान्हो से शहनवाज।